हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन फूड प्राइस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो जी, इंडिया में किसी चीज़ का क्या प्राइस है, खाने की चीज़ टमाटर प्याज आलू, और पाकिस्तान में क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसी से ही हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे कितनी कंगाली आई हुई है, क्यों लोग भूखे मर रहे हैं, क्यों वो अपने पेट भर के खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो हमें इस वीडियो में पता लगेगा। और आप लोग भी देख रहे हैं ना कि हमारे इंडिया में कितना सस्ता है और वहाँ पर कितना महंगा है, बहुत कुछ पता लगने वाला है इस वीडियो में। जल्दी जल्दी ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के शहर लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट सब्जी मंडी में मौजूद हूं। यहां पे हम बात करेंगे कि इस टाइम पाकिस्तान में आलू का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, टमाटर का क्या रेट है, और जिस टाइम पे इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जारी थी उस टाइम पे जो कीमतों में कमी थी, क्या पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के दुकानदार और खरीदार फिर से चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट की जाए, क्या फिर से महंगाई से तंग आके लोग रिलेशन बेहतर करने की तरफ आना चाहते हैं। जो भी उनके ओपिनियन है आप तक पहुंचाएंगे। और आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं यहां पे आलू की कीमत, प्याज की कीमत की बात करूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके वहां पे आलू, प्याज, टमाटर या ये जितनी भी सब्जी की अशिया है इनकी क्या कीमतें हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, ये आपका स्टॉल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टमाटर की सबसे पहले मुझे कीमत बताएं और ये बताएं कि इसकी क्वालिटी ए प्लस क्वालिटी है या नॉर्मल है या क्या है। ये ए प्लस क्वालिटी, इसमें बी क्वालिटी वो निकाल कर ग्रेडिंग करके अलग रखी हुई है। इसका बच्चा ग्रेडिंग कर रहा है अलग से, जैसे ये पीछे देखें। तो इसकी क्या कीमत है? मुनासिब रेट इसका, ठीक है। और मैं ये सुन रहा हूँ कि अभी काम हुआ है, पहले ये शायद 150 था। ये बारिशों की वजह से सर्दी इतनी थी, फसल हुई नहीं, काश्त नहीं हुई इसकी, ठीक है। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए, 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। ईरान का है वो सस्ता है, ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। उसकी क्या आधी कीमत, मतलब ये क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की, जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर। और एक इंडियन प्याज आता था वो भी, मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी, लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा। पाबंदी की वजह से देखें जी, ये पाकिस्तान के चाहे खरीदार हो हमारे या फिर जो सा वो दुकानदार हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जो प्याज आ रहा, सब सिर्फ प्याज नहीं था आ रहा, और भी बहुत सी सब्जियां आ रही थी जिनकी वजह से जो अभी ट्रेड बंद हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप तो बड़ी देर से काम कर रहे हो। ये बात ठीक है आपकी, ये सैलाब की वजह से जो प्याज की काश्त है बिल्कुल कम हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है। अभी तक जमीन स्टेबल नहीं है, ठीक है, इस चीज को काश्त करने के लिए प्याज की फसल बहुत कम है। आपको आइडिया है कि ये प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी, यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन, वैसे किलो पड़ा ऑलमोस्ट कितने का? 240 का, 240 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह? उसकी वजह उनके पास जमीन नहीं, 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 किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही गया। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज है, पानी फ्री है, फुल फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं, ये रीजन ऑथेंटिक है, स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि फसल हमसे बेहतर है। नहीं, उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी दरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी दरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना, ये वो दरखेज नहीं है। मिट्टी हमारी दरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर हैं वो दरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे या, मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेस मैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम अज कम पता है, और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान है उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही है। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है। और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा? पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन, ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बहुत बेहतर आगे निकल जाए, ऐसा ही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे, ठीक है, इंडिया से जब आ रहे थे, पहले एक साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने
अब ये 100 रुपए किलो सिर्फ किलो बिकता है, ठीक है। यानी इंडिया से जब बंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए, बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा नहीं आ रहे, उनको पता नहीं आने, ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता है, लेकिन फिर भी कुछ जमीने ऐसी है। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपने ये बताया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से, मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता है, सोशल मीडिया है, हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे, ठीक है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बीबीसी पे देखे, सीएनएन पे देखे, हर चीज बताते हैं वो, ठीक है। हमारा मीडिया तो बताएगा अपनी खामियां, मेरे अंदर क्या खामी है, ठीक है, हुक्म रिलेटेड करना है, आगे लेके आना, ठीक है, इनको अपने देने देने पड़े हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा, इधर से एक चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं, वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं, वैसे तो हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टमाटर प्याज की क्या कीमत है, बॉर्डर के उस पार क्या कीमत है, लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फील्ड के अंदर कम अज कम होनर रखता है, वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो जो सा वो लोग पता नहीं वो सड़कों पे, मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडिया मिला है। अच्छा। वो कहता हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता वहाँ पे गुजरात में। वो मुस्लिम था, मुस्लिम था, मैं बैठ के डिबेट हुई उसके साथ। अच्छा। एक घंटा बैठा था उसके साथ मैं, कहता है कोई परेशानी नहीं यार हमें, पहले सादा थे आपको इससे मसला ही कोई नहीं। हाँ, पहले जो इश्यूज अगर होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई। वो गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए, ठीक हो। लेकिन हमारे मुल्क सिर्फ धकेलने वाले हैं, 76 सालों में खाने वाले ही आए, कोई मिले नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें जैसे देखें, आप गए, आपने सोतिया में उनके साथ बात की, या आपने बीबीसी की बात की, या सोशल मीडिया की बात की, यही चीजें अगर हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया पे चलें, मतलब बताया जाए कि भाई वहाँ पे इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, ये टमाटर पे जो है वो इतनी कीमत है, प्याज की इतनी कीमत, सब कुछ पता है, लेकिन पब्लिक को नहीं ना बताया जा रहा। आगे आने नहीं देते, आपको नहीं लगता आज के आज भी 2024 में भी मोस्टली पाकिस्तानी, आपने तो देखते हैं सोशल मीडिया या आपका फॉरेन विजिट रहा, आपको आइडिया हो गया, लेकिन आज के दौर में भी मोस्टली पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में बहुत मसाइल। तो पाकिस्तान में कौन सी कम है, हर आम आदमी भूखा मारा यहाँ पे, ठीक है, बिल देख ले गैस के क्या कितने आ रहे हैं, 50-50 हजार आम बंदा, ये मजदूर मेरे पास काम करता है, एक कमरा इसके पास कराएगा, ठीक है, 44 हजार रुपए बिल आया इसको, कितना 44 हजार, 1 हजार रुपए कमा के लेके जाता, ठीक हो गया, ये कमरा ने क्या दे रहे हैं। और फिर ये जो बिल आया है भाई को, 44 छोड़े 40 आया होगा, 30 भी लगा ले, 240 रुपए आया, ठीक है, बिल। अच्छा, ये बंदा ये क्या करेगा, बंदा सोच रहा है 5 बच्चे खाने वाले, ये सोचने वाली बात है, 30 हजार अगर किसी की सैलरी है, 40-50 हजार बिल आएगा, वो फिर क्या करेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मजबूरी है उसके बच्चों को पालना, दो नंबरी करेगा वो, ठीक है। और फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, फिर हम कहते हैं हमारे लीडर नहीं अच्छे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो सा ऊपर वाले हैं वो गलत कर रहे हैं, ऊपर वाले गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हीं पॉलिसीज भी अमल कर रहे हैं हुक्मरान, अदरवाइज जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान के आए ना उनके अमल करें, मुल्क स्टेबल हो जाता खुद। अच्छा, सर अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके, रेट तो हमने पूछे हैं, साथ जो उनसे ओवरऑल डिस्कशन हो रही है बड़ी अच्छी है। मुझे बताएं इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देंगे किसको नहीं, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन है ना, हमारा ये टॉपिक है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी, आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प करेंगे, पब्लिक को फेवर देंगे, या अपना ही रोना रोएंगे? ये देख मजाक वाली बात है ना, 76 सालों में पब्लिक को सपोर्ट मिली है ना मिलनी, अरे कोई है उसे आने नहीं देते ऊपर, ठीक है, ये वही गिद्दड़ सिंह की बड़ी बात है, घुमा घुमा के रखा हो लोगों, और लोगों को भी आज के दौर में, आज के दौर में मैं ये नहीं कहा जा रहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं सब्जियों की कीमतें कम करवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं बिजली के रेट, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उस पार्टी को जो सा वो अंदर कर दूंगा, वो कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें आवाम की भी, मेरी और आप यानी जो पब्लिक है उसकी भी मिस्टेक है, हम बेवकूफ बनते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बात पता है, अगर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं आप देख ले क्या हो रहा है, हमारे मीडिया में सब कुछ दिखा रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर उसे पकड़ के अंदर डाल देते हैं। छोटी सी आपकी फील्ड, आपके काम के हवाले से एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज ट्रेड बंद हुई, इसमें मिस्टेक हमारी है, हम एक मिनट में ये बताया गया जी कश्मीर पे उन्होंने जो जुल्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक बातों में कश्मीर के नाम पे आ गई, कश्मीर के लिए हमने क्या कर दिया, यही हम कहते हैं भाई कश्मीर का जो इशू है वो 76 सालों से चल रहा है, वो आप जानो आपका काम जाने, हमें पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाना था कि यार आप लोग बेवकूफ़ नहीं बन रहे? हमारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को हर चीज का ही पता, लेकिन वो बेवकूफ बनाई जा रहा है। नहीं तो पब्लिक बांध रहे हैं, हम बांध रहे हैं तो लोगों बात बताया क्या है। अदरवाइज यही फैसिलिटीज, मैं आपको वही बात कहता हूँ दोबारा, किसान को मिले ना यहाँ पाकिस्तान में, वही हुकूमत जैसे आपने इंडिया में बताया वहाँ पे बिजली आपने बताया, इससे कुछ नहीं मिलता। यहाँ खाद डबल रेट पे है, पानी डबल रेट पे, क्या करेंगे यहाँ पे किसान? ठीक हो गया, उसका खर्चा डबल आया था। आपकी कभी वहाँ के, जैसे आप यहाँ पे एक आड़त का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं फूड फ्रूट्स का या सब्जियों का, वहाँ पे किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे इंसान से बात हुई जो यही काम करता हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी से नहीं, मतलब होता है ना कि बंदा पूछता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें, ऐसी कोई कभी बात ही नहीं। पहले जब ट्रेडिंग थी तो वहाँ से आते थे लोग यहाँ पे। अच्छा, आप भी वहाँ से प्याज, वहाँ से लोग आते थे? आते थे, लेके आते थे वाघा बॉर्डर से। ठीक है, तो वो टाइम बेहतर था जब ट्रेड चल रहा था। टाइम बहुत बेहतर था, बिलीव करो, उसमें मार्जिन अच्छा था। यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने में फायदा था? फायदा है, हर एक को नेबर के साथ रिलेशन में करने में फायदा, लड़ाई के झगड़े में क्या रखा। ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो सबको पता है। आजकल ईरान के साथ कैसे हैं वो भी हमारे, जो उनसे हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें जानने की समझने की जरूरत है। अगर हम हमेशा ये कह दें इंडिया गलत, ईरान भी अब गलत, अब अफगानिस्तान भी गलत, और कल को मेरे ख्याल से जो हमारी सिचुएशन है हम ये भी कह देंगे चाइना भी गलत। यानी अपने आप को नहीं ठीक करना, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हुक्मरान, ये हुक्मरान अरे खुद को ठीक कर लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी पॉलिसीज बेहतर हो जाएं, पॉलिसीज बेहतर हो जाए, उनपे अमल दरामद हो। ठीक है, वो पॉलिसीज बेहतर करने से मुराद है उसमें अमल दरामद हो पूरा। अच्छा, आप तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो किसान आपको चीजें मतलब ये प्रोवाइड करते हैं, आपको सब्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें बचत हो रही है या वो भी कह रहे हैं कि यार कोई, वो भी यही रोना धोना उनका भी, यार बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और खादें महंगी हो गई हैं, ये रोना धोना सबका पूरी आइडिया है। खाद की बोरी क्या चल रही है? मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया, ठीक है, तकरीबन कितने की? 5,100 की एक खाद की जो बोरी है। ठीक है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया की अगर बात की जाए वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर, हाँ जेड़ी बीज सट्टन दे बेकी खाद दी जाती है ना, उस टाइम वाली बोरी 14,000 दी है। 14,000 की? हाँ जी, शुरू में जो एक किले में देते हैं ना एक बोरी 14,000 रुपए दी, डीएपी कहते हैं उसे, वो ना दो फसल होती नहीं है। डीएपी 14,000 की है जी, आप बताइएगा, ये भाई बता रहे हैं आपके वहाँ पे कितने की यूरिया, कितने की है भाई जान? यूरिया तकरीबन 5,000 की जा रही है। यूरिया 5,000 की जा रही है, ठीक है, आपके वहाँ पे कितने की है? खैर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे डिबेट करके। खासतौर पर ये सब्जियों की कीमतें तो हमने जानी, लेकिन ओवरऑल जो आपका नॉलेज है, मैं समझता हूँ यही नॉलेज अगर हमारे सभी दुकानदारों के पास हो तो शायद हम लोग खुद पब्लिक जो उनसे मिल के गवर्नमेंट से डिमांड करें कि भाई हमारे रिलेशन नेबर से बेहतर करो, चाहे इंडिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है या चाइना है, रिलेशन बेहतर करो, ट्रेड खोलो, जो आपस में इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप यहाँ पे आई हैं सब्जियाँ वगैरह खरीदने, और डेली बेस पे आती हैं या फिर वीकली आप सारा वो सब्जियाँ लेके जाते हैं? ऑलमोस्ट वीकली आती हूँ मैं। ठीक हो गया, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, और मैं ये समझता हूँ जितनी खवातीन सब्जियों के रेट को बेहतर तरीके से जानती हैं और जितना इनको पता होगा कि आज से हफ्ता पहले क्या रेट था, महीना पहले क्या रेट था या लास्ट ईयर क्या रेट था, उतना मर्द हजरात को नहीं पता होगा। मुझे बताएं सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है या जो भी आज आपने चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और बाकी आलू, आलू 300 के 500 जो है। क्या समझती हैं, और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर केजी, पर ये केजी। लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे रेट्स, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ, अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ, ठीक है। अच्छा मैम, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद क्या लगता है, हमेशा जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है या जो भी पार्टी होती है वो ये कहती है जी अपना हम इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत में आएंगे तो सस्ता कर देंगे पब्लिक के लिए, महंगाई कम कर देंगे, आपको कोई उम्मीद है या ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ नारे या बातें हैं या स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली अवाम के लिए कोई, पब्लिक के लिए कोई सहूलत होगी या नहीं? नहीं होगी, ये राइज होंगी, प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे ना। हाँ जी, ठीक हो गया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी, उसके अलावा क्योंकि वहाँ से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे, अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं, क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक, आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? होनी चाहिए, बस आवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी, जो भी मैं
पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इशूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इशूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा फिर आपने ट्रेड बंद की या कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीज़ें सस्ती चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना, जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इम्पोर्ट करें, ठीक है, आवाम को फैसिलिटी मिले, जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पर जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो चाइना हो कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं। तो जी बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे तो बहुत मजा आया देख के कि इंडिया के बिना इन लोगों के रेट कहाँ पहुंच गए हैं। 700 रुपए के 5 किलो प्याज, हाय रब्बा क्या ही डालते होंगे ये सब्जी के अंदर। और ये लड़की मतलब जी औरत है ये भी कह रही है, और शोएब भी यही चीज कह रहे हैं, और जो वो सब्जी वाला था वो भी यही कह रहे थे कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ट्रेड आना जाना चाहिए। जब ट्रेड चल रहा था मतलब जब सामान यहाँ से जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत कम रेट था, मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रहा था इन लोगों को। और ये भी कह रही है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, अगर आप नहीं भी रख रहे हो, चलो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख रहे हो, ना रखो कोई बात नहीं, पर हमें तो अच्छी फैसिलिटी दो ना, हमें क्यों महसूस करा रहे हो कि इस वजह से हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो हमें तो फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। और शोएब की एक बात है कि भाई हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते, सब में गलतियाँ हैं पर हमारे में गलती नहीं है, हमें अपनी गलती नहीं सुधारनी, बाकी सबके अंदर जितनी भी गलतियाँ ना वो सारी सुधर जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये आम जिंदगी में हर किसी के लिए अप्लाई होता है कि अगर कोई इंसान के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती आपके अंदर भी होती है, तो वो भी ज़रा सुधार ले, हर बार गलती अगले बंदे की नहीं होती। तो पाकिस्तान